दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया। बेटा हमारा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। मुझ जैसा गरीब आदमी तुम्हें सिर्फ अच्छी तालीम दे सकता था, वो मैंने किया। बस ये एक छोटा सा घर है जो पहले ही मैंने तुम्हारे नाम कर रखा है। इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं कि हमने तुम्हें अपनी सगी बेटी समझा। अब्बा प्लीज प्लीज ऐसे मत बोले, मत बोले। खुश बेटा, साई जी। बड़ी बीबी साहिबा आ गई आपकी अरूज बीबी जी? नहीं, ठीक है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। आप ड्राइवर से कहें गाड़ी निकालें। जी, जैसे आपका हुक्म। साई ये मेरी नहीं, इतनी अकड़ी भी गर्दन लेके कहाँ गई है? वो जी छोटी बीबी साहिबा की अम्मी के घर गई है। क्या वहां क्या करने गई है? वो जी कह रही थी कि छोटी बीबी साहिबा किसी को बताए बगैर अपनी अम्मी के घर पे क्यों गई है। अजीब औरत है ये मेरी, उरूज के तो पीछे ही पड़ गई है। उरूज खुश है तो क्यों है, उदास है तो क्यों है? ये औरत तो किसी को सही से गमजदा भी नहीं रहने देती। बस आई तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी बेगम साहिबा। Thank you.
अरे वाह, हमारे घर और जिंदगियों को जहन्नुम बना के ये अरूज साहिबा यहाँ अपने माँ बाप के घुटनों में बैठी हुई है। अरे मेहरीन बहन, बैठ जाए, बताए हुआ क्या है। अरे बड़ा अच्छा है, सब हमसे ही पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है, कोई इससे पूछेगा कि हुआ क्या है। आपको उरुज की किस बात पर इतना गुस्सा है? अरे वाह नसीमा जी, कितनी भोली बन रही हैं। ये सब कुछ जो मैं और मेरा बेटा भुगत रहे हैं, ये सब कुछ आपकी तरबियत का नतीजा है जो आपने इस अरूज को दी है। आप तशरीफ रखिए और आहिस्ता बात करें, आवाज बाहर ना जाए। अच्छा, घर की बेटी बिना इजाजत घर से बाहर आ सकती है लेकिन आवाज बाहर नहीं जा सकती? बड़ा अजीब कानून है भाई। अगर आप इस तरीके से गुस्सा करेंगी तो फिर बात कैसे करेंगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अभी कर रही हूँ। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को पागल बना दिया है, वो खुश होना भूल गया, और ये सब कुछ आपकी इस फजूल तरबियत का नतीजा है नसीमा जी। आंटी, आप इस तरह बात नहीं कर सकती मेरी अम्मी से। अम्मी आप ठीक है? अम्मी क्या हुआ, आप ठीक है ना अम्मी? अरुज, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फौरन आओ। देखे मम्मी को नहीं। उरुज बेटा तुम जाओ, शादी के बाद बेटियों का घर मैं का नहीं ससुराल होता है। तुम्हारी अम्मी को मैं देख लूंगा। जाओ बेटा। मुझ जैसा गरीब आदमी तुम्हें सिर्फ अच्छी तालीम दे सकता था, वो मैंने किया। बस ये एक छोटा सा घर है जो पहले ही मैंने तुम्हारे नाम कर रखा है। इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकूं हमने तुम्हें अपनी सगी बेटी समझा।
हेलो। हाँ अरूज, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं, तुम्हें आने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब, तुमने नहीं आना? मतलब ये कि मैं घर आ गई हूँ। आ गई हो? किसके साथ आ गई हो? मेरी नांटी आई थी, साथ ले आई है मुझे। अरुजी, क्या चल रहा है? तुम चले गई, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें मॉम लेकर आ गई, मुझे पता नहीं। आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं? मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ को तूने रद कर दिया है। हम तो नसीब से हार गए, एक दिल था वो भी तुम पे। ये सब कुछ जो मैं और मेरा बेटा भुगत रहे हैं, ये सब कुछ आपकी तरबियत का नतीजा है जो आपने सरूज को दी है। आप तशरीफ रखिए और आहिस्ता बात करें, आवाज बाहर ना जाए। अच्छा, घर की बेटी बिना इजाजत घर से बाहर आ सकती है लेकिन आवाज बाहर नहीं जा सकती? बड़ा अजीब कानून है भाई। अगर आप इस तरीके से गुस्सा करेंगी तो फिर बात कैसे करेंगी? बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अभी कर रही हूँ। आप सब लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को पागल बना दिया है, वो खुश होना भूल गया। और ये सब कुछ आपकी इस फजूल तरबियत का नतीजा है नसीमा जी। आंटी, आप इस तरह बात नहीं कर सकती मेरी अम्मी से। अम्मी आप ठीक है? अम्मी क्या हुआ, ठीक है ना अम्मी? अरुज, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, फौरन आओ। मैंने सलमान की शादी इसलिए की थी ताकि मेरा सलमान खुश रहे और ये घर आबाद हो जाए। घर क्या खाक आबाद होता, या तो वीराना हो गया और सलमान दीवाना। तुमने पूछा आखिर सलमान इससे कि ये चाहती क्या है? इसके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं। ठीक, फिर मैं खुद ही पूछ लेती हूँ इन मोहतरमा से। इधर देखो अरुज, मेरी तरफ। आखिर घर का ये माहौल बनाने की रीजन क्या है तुम्हारे पास? आप खामोश हो जाएंगी? हद होती है आपकी अदालत तो खत्म ही नहीं होती है। सवाल जवाब का सिलसिला छोड़े रखती हैं आप हर वक्त। सारसी क्या है आप खुद को? आपके किसी भी सवाल का जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझती। बिल्कुल चुप रहेंगी अब आप? Thank you.
देखा तुमने? देखा तुमने सलमान, ये है तुम्हारी मां की इज्जत। इस रूज की नजर में देख लिया आज तुमने अपनी मां को बेइज्जत होता हुआ। मैंने बहुत सोचा हरी से, हम दोनों के रिश्ते के बारे में, शादी के बाद से आज तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में, बस एक दूसरे की गलतियां निकालते। लेकिन मुझे यकीन है एक बार हमारा बच्चा हमारे दरमियान आ जाएगा, सारी अटेंशन सिर्फ उसी के लिए होगी। रुक जाए आशियाफ है, नॉर्मल हालात होते तो रुक जाता, मगर कर क्या, मैं चाहता हूँ कि जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है, अली से खुश रहे। तुमने मॉम के साथ बदतमीजी क्यों की? अरूज मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने मॉम के साथ बदतमीजी क्यों की है? सलमान प्लीज, इस वक्त बहुत परेशान हूँ, मुझे इस तरह बात मत करो। अरूज क्या परेशानी है तुम्हें? मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूँ, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रही, हुआ क्या है? जिस अंदाज में तुम पूछ रहे हो ना मुझसे, कौन अपनी बात तुमसे कुछ कहेगा? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, कर सकता हूँ इस तरह तुमसे बात? शौहर हो तुम मेरे, काश अगर शौहर वाला ताल्लुक रखा होता ना तो मैं तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करती। क्या मतलब, हमारे दरमियान वो एतमाद वाला रिश्ता नहीं है? वो ताल्लुक तुमने खुद खत्म किया है। लेकिन ये मेरी बात का जवाब नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुमने मॉम के साथ बदतमीजी क्यों की है? मुझे तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना अब। तो फिर ठीक है, इस घर में भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकलो यहां से। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो मुझे। और ये क्या कर रहे हो तुम, कोई नहीं रोकेगा मुझे। और खबरदार मेरे पीछे किसी आने की कोशिश की तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। यहां से
और दोबारा इस घर में आने की कोशिश ना करना। फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। खलिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। इतनी इस बात तो सुने हितरीश, आप सलमान को समझाएं, रोकें उसे, जाके लेकर आए अरुज को, वो इतनी रात को अकेले कहाँ जाएगी? कोई कहीं नहीं जाएगा। This, please. Thank you.
हंस क्यों रहे हो? Obviously, ये सोचकर हंस रहा हूं कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। ये कब कहा मैंने? अभी अभी तो तुमने एक्सेप्ट किया। एक बात कहूं? तुम हंसते हुए और भी खूबसूरत लगते हो। मॉम को किसी और कह रही हो? तो आंटी को भी सोचना चाहिए कि मैं कोई और नहीं हूं, बीवी हूं तुम्हारी। तो फिर एक बात याद रखना, मां है वो मेरी और उनके सामने मुझ पर हक जताने की कोशिश ना करना। अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। आई होप मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मां लो यहां से और दोबारा इस घर में आने की कोशिश ना करना। एक दिल था वो भी तुम पे मार गए हैं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। मैंने सलमान की शादी इसलिए की थी ताकि मेरा सलमान खुश रहे और ये घर आबाद हो जाए। घर क्या खाक आबाद होता, यहां तो वीराना हो गया और सलमान दीवाना। Thank you.
आजू यहाँ बैठो आराम से बैठ जाओ। अब बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम रात के इस वक्त निकल आई? निकली नहीं हूं, निकाली गई हूं। व्हाट, क्या मतलब तुम्हारा निकाली गई हूं? सलमान ने मुझे धक्के देके घर से निकाल दिया। क्या बात कर रही हो तुम? किसी ने रोका नहीं वहां पे? बहुत गुस्से में था सलमान। और क्या वजह थी गुस्से की? मैं उसकी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? और तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे जवाब ना देने की वजह क्या है। अगर आप सलमान के साथ हैं तो फिर मेरे साथ कौन है? मैं तो अकेली हुई। लो शुरू हो गए इसके ड्रामे, ताकि हम सब इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा हो, मुझे अकेला छोड़ दें, तन्हा रहना चाहती हूं मैं। हद होती है, आपकी अदालत तो खत्म ही नहीं होती है। सवाल जवाब का सिलसिला जोड़े रखती हैं आप हर वक्त, समझती क्या है आप खुद को? आपके किसी भी सवाल का जवाब देना मैं बिल्कुल जरूरी नहीं समझती। बिल्कुल चुप रहेंगी अब आप? क्या परेशानी है तुम्हें? मैं तुमसे कब से पूछ रहा हूं, तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रही, हुआ क्या है? जिस अंदाज में तुम पूछ रहे हो ना मुझसे, कौन अपनी बात तुमसे कुछ कहेगा? मैं शौहर हूं तुम्हारा, कर सकता हूं इस तरह तुमसे बात? शौहर हो तुम मेरे, काश अगर शौहर वाला ताल्लुक रखा होता ना तो मैं तुमसे अपने दिल की हर बात शेयर करती। क्या मतलब? हमारे दरमियान वो एतमाद वाला रिश्ता नहीं है? वो ताल्लुक तुमने खुद खत्म किया है। लेकिन ये मेरी बात का जवाब नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुमने मॉम के साथ बदतमीजी क्यों की है? मुझे तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना अब। Thank you.
मुझे समझ नहीं आता कि सलमान भाई जैसे पढ़े लिखे शख्स भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। ईशान से इस सारे किस्से में मैं सलमान को कसूरवार नहीं समझती। क्या ये क्या बात कर रही हो तुम? ये सारा सुलूक सलमान भाई ने तुम्हारे साथ किया है और तुम उनको कसूरवार भी नहीं समझती। मेरी नंटी की बातों से तंग आ गई थी मैं और गुस्से में आके मैंने उन पे शाउट कर दिया। तो क्या मतलब इस बात पे वो तुम्हें घर से निकाल देंगे? दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तो।